मुन्ना को लड़के वालों का फोन आया था। लड़के वालों ने ये कहलवाया है कि बारात में आने वाले मेहमानों की जो संख्या बताई थी उससे थोड़े ज्यादा होंगे। एक बात का ध्यान रखना राजपन, कोई चीज कम ना होनी चाहिए। जो चाहिए पहले से मंगवा कर रख लिया। मैं खुद जाके देख लेता हूँ। दादाजी मुझे यहाँ से कुछ सामान चाहिए था, ले लूँ? हाँ हाँ ले ले बहू जी। अरे रुक जा, लाओ मैं छोड़ा। नहीं नहीं दादाजी, आप गुगु को ले लीजिए, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। अरे वाह, नाराज तो ना है ना लल्ला अपने दादाजी से? हाँ, दो तीन दिन से लल्ला के साथ खेलने का मौका भी नहीं मिला है। अभी छोटा है ना, इसलिए सब नहीं सूझता इसे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर नाराज होना भी सीख लेगा। इसने नाराज होना आ जाएगा तो मारे को भी मनाना सीखना पड़ेगा। कोई बात ना है, हम सीख लेंगे। हमारा लल्ला, हमारा लल्ला नाराज हो जाएगा मारे से। लल्ला नंदिनी भी नहीं है? बेटा नंदिनी को कहीं देखा? नहीं आंटी, नहीं देखा। बहू लल्ला कहाँ? कहीं नंदिनी को फिर से पकड़ा है क्या? वो लोग उसे लेकर बाहर ले जाएंगे तो? तुम्हें कहा था ना लल्ला को अपने पास ही रखो। माँ वो दद्दा जी के पास है और मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने वहीं छोड़ दिया उसे। तो जाओ लल्ला को जाकर ले आओ। दद्दा जी पहले से ही परेशान है, उसे संभालते हुए और परेशान हो जाएंगे। जाओ ले आओ लल्ला को जी। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाभी माँ। महाराज जी पंडित का फोन आया। अक्षरा आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, ये तो सरासर जुर्म है। क्या किया मैंने? क्या किया? शायद आपको पता नहीं लेकिन इतना सुंदर लगना कि लोग घायल हो जाएं ये तो बिल्कुल मना है। नैतिक आप भी ना, चलिए जाइए बाहर, बहुत काम है। हाँ है पर अब काम में ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है। लगता है सच में आपको कुछ हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ मुझे बहुत काम। अब पंडित जी पूजा की सारी सामग्री घी चांदी के सिक्के सब रख दिया, कुछ और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटी, सारी सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ इसी में हो जाएगा। हाँ। जी
महाराज जी आप सब कुछ अपनी देखरेख में ही कराइएगा। बहू रानी काऊ बात की चिंता मत करो, हम अपनी देखरेख भी बनवा रहे हैं सब। भाभी वो नन्ही दीदी नीला बैग मांग रही है। नीला बैग नहीं, हाँ वो उधर डाइनिंग टेबल पर रखा। ठीक है अच्छी। क्या बचा? भाभी माँ बहू पंडित जी को पैरों के लिए 7 सुपारी देनी थी। दे दी भाभी माँ। और वो लाल कपड़ा? वो लाल कपड़ा तो आपने कहा था आप देंगी, आपने कहा आपके कमरे में बक्से में रखा है। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं तू अपना काम कर, मैं दे दूंगी। हाँ। छोटी दुल्हन कहाँ है? वो अपने कमरे में। यार तो घबरा क्यों रहा है, हमारी तरफ से पूरी अरेंजमेंट हो चुकी है। 20 क्या, अगर 100 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो स्माइल कर। सॉरी यार नैतिक, हमारी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी हुई। अब अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं कोई भी शादी अटेंड नहीं करूंगा, समझा कि नहीं? अरे अक्षरा क्या हुआ, आप किसका वेट कर रही हैं? नहीं नहीं मैं तो बस चेक कर रही थी कि सब कुछ ठीक से है या नहीं। हाँ भाभी सब बहुत अच्छा है, समझ नहीं आ रहा है थैंक्स करूं भी तो कैसे आपको। मुंह बंद करके अक्षरा नक्श का है, दोपहर से उसे नहीं देखा। हाँ भाभी सो रहा है क्या मेरा दोस्त? हाँ वैसे उसका सोने का वक्त तो है नहीं, कहाँ है नक्श? वो माँ के पास है, माँ उसे कपड़े बदलवाने गई। अब तक तो हो गया होगा। अक्षरा प्लीज उसे थोड़ी देर के लिए नीचे ले आओ, फिर शादी के बीच में कहाँ वक्त मिलेगा उसके साथ खेलने के लिए, उसे इतनी देर से देखा नहीं है तो उसकी बहुत याद आ रही है। जाइए ना अक्षरा जल्दी से उसे लेकर आ जाइए। चलिए कोई कुछ भी कहे लल्ला हमारा है और हमारा ही रहेगा, तेरे माँ बाबू जी की आंखों का तारा। तू घबरा मत बेटा, कोई तुझे हमसे अलग नहीं कर सकता। से छोटी दुल्हन बात नहीं सुनोगी मेरी? क्या बात है रश्मि, तो प्यारी लग रही आ जा। हे अंशु यहाँ पे भी तो मोबाइल पे लगा हुआ है, बंद करो उसे। सब लोग आ गए लेकिन भाभी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बारात आ गई। मोहित नैतिक बारात ही आ गए, स्वागत की चाहिए। जी जी जी। अरे बारात आ गई, बारात आ गई। सुना भाभी बारात आ गई। महाराज जी गिर जा। आइए चिंता मत कीजिए। नंदिनी की माँ कहाँ है छोटी दुल्हन? दादा जी या तो तैयार हो रही होंगी या किसी काम में व्यस्त होंगी, आपको कुछ चाहिए? हाँ वो सिक्के लाने को कहा था मन्ने, अभी चाहिए होंगे बारात के स्वागत के समय। दादा जी मैं लेकर आती हूँ। माँ आप थोड़ी देर के लिए इसे लीजिए। अरे क्या हुआ? बस आप दादी के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। रुके मैं जा। अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ। क्या बात है भाभी माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैं। दादाजी ने पैसे मंगवाए? हाँ हाँ। भाभी माँ आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए।
हाँ मुन्ना तू जा, मैं तैयार होके आती हूँ। बारात घर तक आई गई है। भाभी माँ नहीं आई अब तक, इस समय भाभी माँ को यही होना चाहिए। बहू माँ नैतिक तो कह रहे थे कि तैयार होकर नीचे ही आ रही है, मैं फिर से देख के आऊँ क्या? नहीं रहने दो बेटा। क्या हुआ? लगता है लल्ला ने गीला कर दिया। लाइए माँ मुझे दीजिए, मैं बदलवा के लाती हूँ। नहीं बहू मैं करा लाती हूँ, तो यही रुक बेटा, मुझे पता है सब कुछ कहाँ पड़ा है। हाँ मैं आई। मिनट में हो जाएगा। अच्छा मेरे लल्ला। हाँ मेरा बेटा। और अरे बच 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 बच। छोटी माँ आपको मंडप में बुला रहे हैं, फेरे शुरू होने वाले। चल ओम शिरो में धातु मारतंड कपाल रोणी पति मुख मंगार का पादु कांडम च शशि नंदन बुद्धि जीवा सदाबाद हृदय निर्नंदना चक्रे च शनि पा जीवा में दितनंदना पादौ कै सदाबाद वरा सर्वांग में उच स्थितियो दुटो दिशा पातु नक्षत्रणि दप्तां चौरासि सदा पातु योगेश अस्थैर में च जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं मादुतिं तमोरि सर्पापाग्न प्रप्तो स्थिं दिवाकरं पादौ कै सदाबाद वरा सर्वांग में उच स्थितियो दुटो दिशा पातु। दादाजी समझ नहीं आ रहा है किन शब्दों में धन्यवाद करूँ। कैसी बात कर रहे हैं जानी? सोहेल तुम्हारी भी बिटिया है ना? अब कन्या के भाई और भाभी आकर के वर वधु का गठबंधन कर दें। को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रह गई है नंदिनी की माँ। बारात आ गई इतनी देर हो गई। लगता है जरूर किसी काम में उलझ के होंगे, वरना जरूर आ जाते। ऐसा भी कि कामराज बनना इस बार उनको यहाँ होना बहुत जरूरी है। भाभी माँ कहाँ है? जब से आए हैं नजर ही नहीं है। हाँ माँ वो नैतिक गए भी थे उनके कमरे में उन्हें देखने के लिए, तब तक वो तैयार नहीं हुई, अभी आती हूँ। हाँ गुप्ता जी, जी जी आप मीटिंग कल रखवा लीजिए। हाँ हाँ हम लोग ऑफिस आ जाएंगे। देखिए मैं अरे क्या करें आप गुप्ता जी, मैं आपसे बाद बात करता हूँ। माफ कीजिए साहब गलती हो गई मैंने। ध्यान से कीजिए ना, लेके जाइए इसे वापस, फिर से भी साफ करना पड़ेगा। सब गंदा कर दिए, नल तो बंद है तो ये पानी की आवाज कहां से आ रही है?
भाभी माँ, ये भाभी माँ आंखें खोलिए अपनी, भाभी माँ ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। अग्मा ओम बुधाय नमः स्वाहा। दत्ता जी फोन भी नहीं उठा रहे। भाभी माँ नैतिक मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो नैतिक। अक्षरा आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। आप इतने घबराए वैसे क्यों लग रहे हैं? कहाँ? बागमा के कमरे के साथ जो वॉशरूम है ना वहाँ पर। जल्दी बाथरूम। क्या हो गया नैतिक? बागमा बागमा प्लीज आके खोलिए। नैतिक कहाँ है आप? अक्षरा मैं यहाँ अंदर हूँ, जल्दी आइए। नैतिक आपने मुझे यहाँ क्यों नहीं पा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। जी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही ललिता? हाँ मैं भी वही सोच रही थी। नहीं लल्ला को लेकर जीजी और गायत्री दीदी के बीच में कुछ बात तो नहीं हो गई? मैं देखूं क्या? नहीं नहीं इस समय इस बात को मत छेड़ो, थोड़ी देर इंतजार करते हैं फिर चली जाना बुलाने के लिए। पता नहीं अक्षरा मैं यहाँ से गुजरा था तो पानी की आवाज सुनी और अंदर आया तो देखा कि भाभी माँ आंखें खोलिए, देखिए देखिए हम लोग यहाँ पर हैं। क्या हुआ बताइए क्या हुआ? पता नहीं कब से ऐसी बेहोश पड़ी। कुछ कीजिए नैतिक, दद्दा जी पहुंचे किसी को बुलाइए। कब से उन्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है, लगता है शोर की वजह से उन्हें फोन सुनाई नहीं दे रहा है। आप इन्हें संभालिए मैं देख कर आता हूं। आप रुकिए मैं जाके बुला जी। आपको कुछ नहीं होगा। संग्रामे संकटे च विंगतस्य न जायते शुक्लाम्बर धर्म देवं च शिवर्णं चतुर्भुजं त्वादिशयतानि नमानि आपणे क्षणु याति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विंगतस्य न जायते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधि वशिष्ठाय नमो नमः प्रणं सीतादेवं गौरीपुत्रं विनायकम्। मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं लग रहा। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कब हुआ? पता नहीं पहुंची, हो सकता जब बारात आई हो तब। हम एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते, शादी का माहौल। तुम गाड़ी निकालो बेटा, पीछे वाले दरवाजे से हम इन्हें बाहर ले जाते हैं और उसके बाद हम सबको बता देंगे। जी बाबूजी। मैं भी अर्षा आपके यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। हाँ बहू तुम यही रुको, कोयल बिटिया की विदाई बिना किसी विघ्न के होनी चाहिए, उसके बाद हम सबको बता देंगे। डॉक्टर से बात करती है, मुझे फोन कीजिएगा, मैं वेट करूंगी। अच्छा कोई मदद की? अक्षरा भाभी माँ को बुलाने अंदर गई थी, वही रह के सब ठीक तो है ना माँ? बड़ी बबू शादी ब्याह का घर है, कितने काम होते हैं, भूल गई। तो सच में बहुत देर हो गई है, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहू और भाभी माँ कहाँ रह गए? मोना गद्दा जी मोना के बाबूजी भी नहीं, कहाँ गए सब लोग? Thank you.
रश्मि, तूने तेरे बाबूजी को देखा? तुझे पता है वो कहाँ है? माँ, अभी तो यहीं थे, मैंने देखा। मैंने कहाँ गए सब? तेरी भाभी और भाभी माँ को देखा कहीं? माँ, भाभी माँ जरूर विदाई की तैयारी कर रही होंगी। कल कह रही थी ना कुछ, विदाई की तैयारी अब तक बाकी है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।